बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है उन तमाम पर्संस के लिए जो कुरान पाक हिफ्ज कर चुके थे लेकिन अपनी गफलत की वजह से कुरान पाक जो है वो भूल चुके हैं। अब उस कुरान पाक को किस तरह दोबारा हिफ्ज किया जाए उसके लिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है कुरान पाक की जो है वो एक तर्जमा तफसीर वाली जो हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आप खरीद लें। और उससे रिलेटेड जैसे आपने पहले कुरान पाक को जो है वो कम आयात आपको जब हिफ्ज कर रहे थे उसके दौरान आपको दी जाती थी 5 आयात 6 आयात 7 आयात तो उसमें साथ में आप तर्जमा पढ़ें और जो कुरान पाक के अल्फाज उनके तर्जमा को आप देखें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको दोबारा जो वो कुरान पाक जो आप हिफ्ज कर लेंगे। इसके अलावा आप जो हिस्सा उस वक्त आप याद कर लेंगे तो आप ज़रूर एक उसका रूटीन बना लें कि जो आप कुरान वो नमाज अदा करेंगे उस नमाज के अंदर आप उस हिस्से की आप क्या करें तिलावत करें तो इंशाल्लाह आप वो जल्द जो है वो इसको जो है दोबारा हिफ्ज कर लेंगे। इसके अलावा अपने आप को आप गुनाहों से जो है वो ज़रूर जो है अपने आप को बचाना है ताकि ये जो कुरान पाक का जो हिफ्ज है वो आपके जो है वो बरकरार रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।